निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो पाखड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर दे तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कै बीच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो इंची टेप जना पैगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तेरे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोच होती है वो भी हमारी उतनी ही होती है जितना हम अपने पैर फैला सके और जितनी हम चादर बना सके तो हमारी भी सोच इसी तरीके से थी उस टाइम पे मेरी जो अचीवमेंट हुआ करती थी। अच्छा आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी टायर रेस की हुई है जो टायर घुमाते हैं सो उस टाइम में जो अचीवमेंट हुआ करती थी कि सबसे ज्यादा टायर रेस में कौन सबसे आगे भागेगा तो फर्स्ट सेकंड आने का जरा सा हमारा भी रहा करता था। एंड हमारे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी होती थी और सबसे ज्यादा दौड़ के सबसे पहले छलांग जो मारेगा वो विजेता। तो ऐसी ऐसी हमारी अचीवमेंट्स हुआ करती थी। मेरी फैमिली में भाई कि क्या होने वाला है फिर तो उसके बाद में जैसे ये फेब मंथ चल रहा है लोग एक दूसरे को रिंग देते हैं मैंने अपनी मामू को कार की रिंग दी एज एन टाटा हरियर 27 जनवरी को 19 लाख की कार। बड़ी बात यह है कि आज इस पोजीशन पे होने आज इस एज में मैं अपनी मॉम को ये चीज गिफ्ट कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज सोच भी नहीं पाते। जो लोग दो टाइप के लोग होते हैं एक समझदार लोग और एक ज्यादा समझदार लोग। तो ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो कम समझदार लोग होते हैं वो अभी KTM अपनी दौड़ाते हैं और जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो अपने पापा की स्प्लेंडर घुमा रहे होते हैं। मेरी लाइफ में ये चीज आई जब मैंने स्टार्ट किया था इस चीज को तो मैंने सर की एक स्पीच सुनी थी कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने वो स्पीच सुनी वो स्पीच चेंज हो चुकी थी कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति लाने से पहले करोड़पति बन जाऊंगी मैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा कल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कल तुम्हें लड़ाई लड़नी है। कल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कल अगर तुम जीतोगी, अगर तुमने सिल्वर जीता तो कल तुम्हें दुनिया याद रखेगी, परसों तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन अगर तुमने गोल्ड जीता तो तुम मिसाल बन जाओगी और मिसालें दी जाती है, मिसालें भूली नहीं जाती। तुम्हें मिसाल बनना है। वहीं पे कुछ दूर पे कुछ लड़कियां खेल रही थी और उन्होंने ये बात बोली कि देखो यहाँ पे कुछ लड़कियां खेल रही हुई हैं, आज देखिए अगर तुम लाइफ वहां पे उस गेम में जीतती हो तो उन समाज के उन सारे लोगों से जीतोगी जिनका ये मानना है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उनका काम चूल्हा चौका चलाना है। तो आज वो सारे लोगों से तुम्हारी जीत होगी, वो सारे लोगों से जीत होगी। और आज मैं जो काम कर रही हूँ मैं अपने कमाने के लिए, मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं उन लाखों लड़कियों की हिम्मत बन सकूं कि अगर ये कर सकती है ना तो मैं भी कर सकूं। लोगों के पास में दो टाइप के वाइस होते हैं। पहला वाइस कंपनी को लेके, मैं इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करूं, क्यों, कैसे, क्या ये मैं कंपनी मुझे आगे बढ़ा पाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठे होते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने अपने अप्लाइंस से पूछा था कि सक्सेस कैसे मिलेगी मुझे इस कंपनी में, कैसे मैं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया था कैसे 2 लाख का चेक आ रहा है। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ऐसे ही पैसा आता है तो हर कोई इंसान इंजीनियरिंग डॉक्टरी छोड़ के वेस्टीज ही क्यों नहीं कर ले रहा।
क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने एक बात मुझसे बोली थी कि जो इंसान समझ के अच्छी तरीके से इस बिजनेस को ज्वाइन करके अच्छी तरीके से कर रहा है वो आज पैसा कमा रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो आप ही की जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपके लाइफ में माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैंने अपने सारे जितने भी अप्लायंस है मैंने पूछा था कि सर कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह, मैंने अपने माइंड के सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे कि आप मुझे बिलीफ होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। वेरी सेकंड थिंग कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, मेरा सेकंड इमोशनल वाई, क्यों मैं करना चाह रही हूँ, क्यों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या मेरी लाइफ में किस चीज की कमी है। बहुत सारे लोग यार हम सेटिस्फाइड है, हम कंफर्टेबल जोन में है अपने। जब हमारी फैमिली में हमारी मम्मी होती हैं, उनके पास में पैसा होता है और वो जा रही होती हैं, कभी ज्वेलरी की शॉप से गुजरती है तो उनकी एक बार के लिए निगाह ऐसे मुड़ जाती है, फिर उसको देखती है कुछ देर के लिए, उसके बाद में मुड़ के सीधे चली जाती है क्योंकि उनको पता होता है कि वो पैसे से उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आगे करना है और बहुत सी चीजों में वो पैसा लगने वाला है, लेकिन वो मुड़ के देख के चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे ऑब्जर्व किया हुआ है कि बहुत दिन से मेरे फादर को किसी को बुलेट पसंद है और जैसे बुलेट की आवाज आ रही है वैसे पापा उधर देख रहे हैं और देखने के बाद में फिर निगाह उतर कर ली है। तो बहुत ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए, क्या मेरी लाइफ में कमी है। 10,000 दिन होंगे बस, क्या 10,000-14,000 दिन बहुत ज्यादा है लाइफ के? नहीं। जब हमारी फैमिली से या फिर हमारे जानने वालों से कुछ लोग चले जाते हैं, आज आप बताइए कि कहीं ना कहीं मैं किसको घुमाऊं। आज पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन आज तो मैं अपनी फैमिली के, आज मैं अपने फादर के ड्रीम्स नहीं पूरे कर सकती, आज मैं नहीं घुमा सकती उनको अपनी गाड़ी में, आज मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वो समय निकल गया, मैं उस चीज की गिल्ट में हूं। बहुत सारे लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि समय नहीं है, मुझे उस चीज को जल्दी करना है, अपने रीजंस नहीं बना पाते हैं कि मुझे क्यों करना है, क्यों मुझे जल्दी करना है, कितनी अर्जेंसी है मुझे ये चीज जल्दी करने की, मुझे नहीं पता कौन सी चीज की गारंटी नहीं ले सकती मैं, मुझे वो चीज जल्दी करनी है। वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे इस लाइफ में क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज मैं पाना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली में मम्मी को सबसे पहले अपनी खुद के पैसों से साड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ, साड़ी कितने की प्राइस की होगी, 2,000 रुपए की होगी, तो मुझे सबसे पहले ये चीज यहाँ से अचीव करनी है। लोग अपने माइंड में सोच ही नहीं पाते कि ये चीज कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को अपना वाई बनाना है, वाई पर वर्क करना है कि क्यों कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूं। आपके पास रीजंस नहीं, रीजंस ही रीजंस हैं इस चीज को करने के लिए, बस आपको देखने की आंख, जो नजर होनी चाहिए वो नजर होनी चाहिए कि आपके पास में कौन सी रीजंस हैं। बहुत सारी हमारी लाइफ में चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और वो चीजें हमारी लाइफ में मैटर कर रही हैं, लेकिन हम आंख बंद करके बैठे होते हैं। उनके लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। बहुत सारे लोग 26 साल की उम्र के हो जाते हैं फिर भी अपने हाथ से अपने फादर से पैसा मांगते हैं, मुझे उस चीज में शर्म आती है, नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी फैमिली में अपने फादर के लिए करना, अपनी मम्मी के लिए करना, अपने बाकी आने वाली जनरेशन के लिए करना है कि कभी भी मेरी फैमिली ये ना सोचे, कभी भी मेरे बच्चे ये ना सोचे कि काश मेरी मम्मी या काश मेरे पापा अमीर होते, कभी ना सोचे। ये चीज के लिए आज मैं बस चीज कर रही हूँ। तो आज सबको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करेंगे, वाई क्लियर yes! करेंगे वाई क्लियर yes! तो आज सबसे पहले जाके अपना वाई लिखिएगा। जो लोग वाई लिखते हैं और उस पे वर्क करते हैं, बार बार दिखता है तो उस पे वो वर्क करके आगे बढ़ पाते हैं। वेरी सेकेंड थिंग,